Hello guys, I am Shreya and I welcome you all to my channel Knowledge Info. Today in this video, we will discuss about one of the most important topic which is related to Schedule Cast and Schedule Tribes. Yes, in this video, we will discuss the Schedule Cast and Schedule Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. In this video, we will talk about what is SCST Act or Prevention of Atrocities Act. At the same time, we will also talk about list of crimes or offences covered under this act we will also discuss about that if a person is found committing such a crime what action will be taken against him and we will also talk about that if a government officer is found committing such a crime then what action will be taken against him and at last we will also talk about important sections covered under this act so without wasting any more time let's move towards our video the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 is an act of the Parliament of India enacted to prevent atrocities atrocities means atyachar against scheduled Caste and scheduled tribes the act is popularly known as the SCST Act POA the Prevention of Atrocities Act or simply the Atrocities Act The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act

फोर्सेज अ मेम्बर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडेबल और ऑबनोक्शियस सब्सटेंस इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में नहीं आता है और वो किसी भी एस सी एस टी मेम्बर को कुछ ऐसा खाने या पीने के लिए फोर्स करता है या कंपेयर करता है जो खाने लायक ना हो जो कि डिसटेस्टफुल हो और उसे खाने से एस सी एस टी मेम्बर की हेल्थ पर अफेक्ट पड़े तो ये क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ का कम्पनसेशन या उससे ज़्यादा का कम्पेंशेसन भी देना पड़ सकता है बेसिकली कंपेंशेसन अमाउंट ऑफेंस के कैटेगरी और उसके नेचर पे डिपेंड करता है उसकी गहराई पे डिपेंड करता है कि गुनाह कितना गहरा है उसकी कैटेगरी पर उसका कम्पेन्शन अमाउंट डिपेंड करता है पेमेंट का स्ट्रक्चर यह है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट पेमेंट तो उसे तभी मिल जाएगी जब चार्जशीट कोर्ट में सेंट हो जाएगी और बाकी के बच्चे सेवेंटी फाइव परसेंट उसे तब मिलेगी जब निचली अदालत में उसके द्वारा लगाया हुआ आरोप साबित हो जाएगा सेकेंड पॉइंट है एक्ट्स विद इंटेंट टू कॉज इंजरी इंसल्ट और अनोन्स टू एनी मेम्बर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब बाई डंपिंग एक्सक्रेटा वेस्ट मटीरियल और मैटर सैडसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंसनस प्रमिसेस और नेबरहुड इसका मतलब यह है कि कोई भी मबर जो एस सी कैटेगरी में नहीं आता है कोई ऐसा काम करता है जो कि एक एस सी मेंबर को इंजरी पहुँचाने के लिए करता है नोइंगली कि उसे इससे इंसल्ट हो सकती है उसे इंजरी हो सकती है फिर भी कोई भी ऐसा काम करता है जैसे कि उसके घर के बाहर एक स्क्रीटा को डंप कर देता है या कूड़ा कचरा फेंक देता है या किसी भी एनिमल की डेड बॉडी को फेंक देता है या कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस उसके घर में या नेबरहुड में फेंक देता है जिससे उसकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़े तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इस केस में भी रुपी सिक्सटी थाउजेंड या उससे ज़्यादा का कंपेंसेशन या मुआवजा देना पड़ सकता है अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि कम्पेंसेसन या मुआवजा डिपेंड करता है ऑफेंस की कैटेगरी उसके नेचर और ग्रेविटी पे कि उसने कितना गहरा गुनाह किया है उसी की कैटेगरी पे वो डिपेंड करता है इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट और पेमेंट स्ट्रक्चर इसमें भी सेम है ट्वेंटी फाइव परसेंट अमाउंट तब रिसीव हो जाता है जब चार्जशीट कोर्ट में सेंट होती है और बाकी के बचे सेवेंटी फाइव परसेंट तब रिसीव होते हैं जब निचली अदालत में गुनाह साबित हो जाता है थर्ड पॉइंट है फोर्सिबली रिमूव्स क्लोथ्स फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और परेड सिम नेकेड और विद पेंटेड फेस और बॉडी और कमिट्स एनी सिमिलर एक्ट विच इज़ डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मेंबर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी से बाहर है और वो किसी भी एस सी मेंबर के ज़बरदस्ती कपड़े उतार लेता है या फिर उससे नेकेड मार्च करवाता है या फिर कोई भी ऐसा काम करता हो जो उसकी डिग्निटी या आत्मसम्मान को डिसरिस्पेक्ट करे अपमानजनक हो उसके लिए तो ये चीज़ भी क्राइम की कैटेगरी में आती है और अगर इसे कोई करता हुआ पाया जाता है तो फर्स्ट एंड सेकेंड केस की तरह इसमें भी सिक्सटी थाउजेंड या उससे ज़्यादा कंपनसेशन अमाउंट भरना पड़ सकता है हमारा फोर्थ पॉइंट है रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज और कल्टिवेट्स एनी लैंड ओन बाय और अलॉटेड टू और नोटिफाइड बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी अलॉटेड टू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब और गेट्स द लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर्ड इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मेंबर जो एस सी कैटेगरी में नहीं आता है और वो उस इंसान की ज़मीन ज़बरदस्ती छीन लेता है या फिर ऑक्यूपाई कर लेता है जो एस सी कैटेगरी का मेंबर है या फिर ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेता है अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसे भी सिक्सटी थाउजेंड एटलीस्ट लग सकता है पर इसमें पेमेंट मोड फर्स्ट थ्री केसेस से डिफरेंट है इसमें पेमेंट स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब चार्जशीट कोर्ट में सेंट हो जाएगी तभी उसे हंड्रेड परसेंट कम्पन्सेशन अमाउंट रिसीव हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट इज रॉन्गफुली डिस्पोज अम्बर ऑफ़ अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब फ्राम हिस्स लैंड और प्रेमाइस और इंटरफेयरस विद द इन्जॉयमेंट ऑफ हिज राइड ओवर एनी लैंड प्रेमाइस और वाटर इसका मतलब यह है कि कोई भी मम्बर जो ऐसी ऐसी कैटेगरी से बाहर है अगर वो किसी भी एस सी एस टी मेम्बर की ज़मीन ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करता है या फिर उसके राइट्स को छीनने की कोशिश करता है उसकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो प्रीवियस केस की तरह इसमें भी कम से कम सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ का कंपेंसेशन अमाउंट पे करना पड़ सकता है और इस केस में भी पेमेंट स्ट्रक्चर पिछले केस की तरह सेम है जब चार्जशीट कोर्ट में सेंट हो जाएगी तभी फुल हंड्रेड परसेंट पेमेंट देना होगा सिक्स पॉइंट इज कम्पल्स और एंटाइसिस मेंबर ऑफ़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू डू बेगर और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स और बॉन्डेड लेबर अदर देन एनी कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक परपजेज इम्पोज बाय गवर्नमेंट इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मेंबर जो एस सी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है वो किसी भी एस सी मेंबर को फोर्स करता है कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिसमें उसकी खुद की मर्ज़ी ना हो जैसे कि उससे भीख मंगवाना या फिर उसे बंधवा मजदूरी करने के लिए फ़ोर्स करना या कोई भी ऐसा काम करने के लिए फ़ोर्स करना जिसे सरकार ने इम्पोज़ ना किया हो तो ये क्राइम की श्रेणी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो रुपी सिक्सटी थाउजेंड तक उसे कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है और इस केस पे पेमेंट मोड कुछ ऐसा है पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि एफ़ आई आर स्टेज पर ही ट्वेंटी फाइव परसेंट अमाउंट पे करना है और एफ आई आर स्टेज के बाद सेवेंटी फाइव परसेंट जो अमाउंट बचता है वो तब पे करना है जब निचली अदालत में गुना साबित हो जाए सेवन पॉइंट है फोर्सेज और इंटीमिडेट्स मेंबर ऑफ़ अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब नॉट टू वोट और टू वोट टू अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और टू वोट इन अ मैनर अदर देन प्रोवाइडेड बाई लॉ इसका मतलब ये है कि कोई भी मेंबर जो एस सी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है और अगर वो एस सी मेंबर को फोर्स करता है कि या तो वो वोट ना करे और अगर वोट करे तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को करे या फिर वो कोई ऐसे प्रोसेस से वोट करने के लिए प्रेशराइज करता है जो लॉ से प्रोवाइडेड नहीं है तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे कम से कम पचास हज़ार तक का कंपनसेशन देना पड़ सकता है एट्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूट्स फॉल्स मेलीशियस और क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब कोई भी मेंबर जो एस सी कम्युनिटी से बाहर है अगर वो एस सी मेंबर के ऊपर कोई भी गलत प्रूफ या एविडेंस या फिर मेलीशियस स्टेटमेंट्स दे उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या लीगल प्रोसीडिंग्स करवाने की कोशिश करता है तो ये भी एक क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे वो एक्सपेंसेस जो एस सी मेंबर के लीगल प्रोसीडिंग्स में खर्च हुए या फिर सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ जो भी अमाउंट कम है वो भरना पड़ सकता है एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल नाइन्थ पॉइंट इज गिव्स एनी फॉल्स और फ्रिवोलस इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट एंड देयर बाय कॉज सच पब्लिक सर्वेंट टू यूज इज लॉफुल पावर टू द इंजरी और अनोन्स ऑफ अ मेम्बर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इसका मतलब ये है कि कोई भी मेंबर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में नहीं आता है और अगर वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई भी झूठी जानकारी दे के पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल पावर का मिस करके इंजरी या अनोन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो प्रीवियस केस की तरह इसमें भी रुपी सिक्सटी थाउजेंड का कंपेंसेशन या फिर रिमबर्समेंट अमाउंट जो उसके लीगल एक्सपेंसेस हैं वो अमाउंट देना पड़ सकता है टेंथ पॉइंट है इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स विद इंटेंट टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ़ अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू इसका मतलब ये है कि कोई भी मम्बर जो ऐसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है और अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को इंटेंशनली विद इंटेंशन अगर पब्लिकली इंसल्ट करने की या फिर पब्लिकली ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसे कम से कम साठ हज़ार रुपये तक का कंपेंसेशन देना पड़ सकता है इस केस में पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पच्चीस परसेंट पेमेंट तब देनी है जब चार्जशीट कोर्ट में सेंट हो जाती है और बाकी बचे हुए सेवेंटी फाइव परसेंट तब देना है जब गुनाह साबित हो जाए एलिवेंथ पॉइंट इसोट्स और यूज फोर्स टू एनी वुमेन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट और अ शेड्यूल्ड ट्राइव विद इन टेन टू डिसऑर्नर और आउटरीच आर मॉडेस्टी इसका मतलब ये है कि कोई भी मम्बर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है और अगर वो किसी भी लेडी किसी भी एस सी एस टी लेडी पर फोर्स यूज करने की कोशिश करता है उसे सेक्शुअली हरास या सेक्शली असोल्ट करने की कोशिश करता है उससे डिसऑनर करने की कोशिश करता है उसकी डिग्निटी को हर्ट करने की कोशिश करता है या उसकी लज्जा को भंग करने की कोशिश करता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे एक लाख बीस हज़ार तक का कंपेंसेशन देना पड़ सकता है इस केस में पेमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है पचास परसेंट पेमेंट तब देना होता है जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाती है और बाकी की पचास परसेंट ऐट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ट्वेल्थ पॉइंट इज बींग इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अ वूमेन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट और अ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड यूज दैट पोजिशन टू एक्सप्लॉयड हर सेक्शुअली टू विच शी वुड नॉट हैव अदरवाइज एग्रीड इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी एस टी कम्यूनिटी से बाहर है और वो ऐसी पोजिशन पर है जिससे वो किसी भी लेडी एसी एस टी लेडी की इच्छा को दबाने की कोशिश करता है उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है और उस पोजीशन को यूज़ करके उस पोजीशन को एज अ बेस बना के उसे सेक्सुअली हरास करने की सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो महिला ना मानती अगर वो उस पोजीशन पे ना होता तो अगर वो ऐसा करता तो ये भी क्राइम की श्रेणी में ही आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे भी पिछले केस की तरह एक लाख बीस हज़ार रुपये तक का कंपेंसेशन पे करना पड़ सकता है पहले के पचास परसेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद और बाकी बचे पचास परसेंट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल पॉइंट नंबर थर्टीन इज करप और फाउल्स द वॉटर ऑफ एनी स्प्रिंग रिजर्वोयर और एनी अदर सोर्स ऑर्डिनरी यूज बाय मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स सो टू रेंडर इट लेस फिट फॉर दर्पज़ फॉर विच इट इज़ ऑर्डिनरी यूजड इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से बाहर है और अगर वो किसी भी जलाशय या जल के किसी स्रोत को या सोर्स को दूषित करने की कोशिश करता है या फिर उसे पॉल्यूट करने की कोशिश करता है ताकि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कोई भी मेम्बर उसे यूज़ ना कर सके वो उसके लिए बेकार हो जाए तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे ढाई लाख रुपए तक का कंपेंसेशन अमाउंट देना पड़ सकता है और इस केस में पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पूरी पेमेंट तभी देनी होगी जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए बोलेगा फोर्टीन पॉइंट इज डिनाइज अ मेम्बर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एनी कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट और ऑब्स्ट्रक्ट सच सो एज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम यूजिंग और हैविंग एसेस टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट टू विच अदर मेम्बर ऑफ पब्लिक और एनी सेक्शन देयर ऑफ हैव अ राइट टू यूज और एसेस टू इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मेंबर जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में नहीं आता हो और वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी मेंबर को कहीं भी जाने से रोकता हो या उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता हो या उसके वे में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करता हो हिंड्रेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करता हो और उसे मजबूर करता हो किसी भी ऐसी जगह ना जाने के लिए जहाँ आम जनता को जाने की इजाज़त हो या उसे यूज़ करने की इजाज़त हो तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे ढाई लाख रुपए तक का कम्पन्सेशन अमाउंट भरना पड़ सकता है और साथ ही साथ इस केस में पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि फिफ्टी परसेंट ऑफ़ पेमेंट जब चार्जशीट कोर्ट में सेंड हो जाएगी तब देनी पड़ेगी और बाकी बचे फिफ्टी परसेंट तब देनी होगी जब निचली अदालत में गुनाह साबित हो जाए फिफ्टीन पॉइंट इज़ कोर्सेज़ और कॉज अम्बर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब टू लीव इस हाउस विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इसका मतलब यह है कि कोई भी मेम्बर जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में नहीं आता है और अगर वो कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेम्बर को अपना मकान गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे साठ हजार रुपये तक का कंपेंसेशन अमाउंट भरना पड़ सकता है और इस केस में पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पूरा अमाउंट तभी पे करना पड़ सकता है जब चार्जशीट लोअर कोर्ट में सेंड हो जाएगी नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट वॉट विल हैपन इफ अ पर्सन इज फाउंड कमिटिंग सच अ क्राइम एंड वॉट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड कमिटिंग सच अ क्राइम देन ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट भी लेस देन सिक्स मंथ्स बट विच में एक्सटेंड टू फाइव ईयर्स एंड विथ फाइन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है ऊपर जितने भी क्राइम्स मैंने बताए हैं ऑल फिफ्टीन क्राइम्स में कोई भी क्राइम अगर करता हुआ पाया जाता है तो उसे कम से कम छः महीने से ले कर पाँच साल तक की सज़ा कंपेंसेशन अमाउंट के साथ हो सकती है और नेक्स्ट पॉइंट इज Gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a scheduled caste or scheduled tribe to be convicted of an offence which is capital by the law, for the time being in force, shall be punished with imprisonment for life and with fine. And if an innocent member of scheduled caste or scheduled tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, द पर्सन हु गिव्स और फेब्रिकेट्स सच फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड विद डेथ इसका मतलब यह है कि कोई भी मेम्बर जो एस सी कैटेगरी में ना आता हो और अगर वो किसी भी एस सी एस के अगेंस्ट कोई फॉल्स प्रूफ या फॉल्स एविडेंस देने की कोशिश करता है जिससे वो जानता है कि वो फँस सकता है किसी ऐसे ऑफेंस में जो बाई नेचर कैपिटल हो किसी ऐसे ऑफेंस में फँस सकता है किसी ऐसे गुनाह में फंस सकता है जिससे उसे लाइफ एम्प्रजनमेंट या उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है तो ये क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे ढाई लाख तक का कंपेंसेशन अमाउंट भरना पड़ सकता है इस केस में पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि फिफ्टी परसेंट अमाउंट तब देना पड़ेगा जब चार्जशीट कोर्ट में सेंट हो जाएगी और बाकी बचे फिफ्टी परसेंट जब निचली अदालत में गुना साबित हो जाएगा आर नेक्स्ट पॉइंट इज गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस इंटेंडिंग देयर बाई टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल दिवर बाय कॉज एनी मेम्बर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू बी कन्विक्टच इज नॉट कैपिटल बट पनिशेबल विद्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ सेवन ईयर्स अपवर्ड्स शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन सिक्स मंथ्स बट विच में एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स और अपवर्ड्स एंड विद फाइन इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मेम्बर जो एस सी एस टी कम्यूनिटी में नहीं शामिल होता है और वो अगर किसी भी एस सी मेंबर के अगेंस्ट कोई ऐसा फॉल्स प्रूफ या एविडेंस देता है जिसमें कोई भी एस सी मेंबर किसी ऐसे ऑफेंस में फंस सकता है जो बाय नेचर कैपिटल तो नहीं है बट उसमें उसे सात साल या उससे ज़्यादा तक की सज़ा हो सकती है तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे सात साल या उससे ज़्यादा तक की सज़ा हो सकती है जो मिनिमम सिक्स मंथ्स भी हो सकती है और उसे कंपेंसेशन अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है एटींथ पॉइंट इज कमिट्स मिस बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल दिवर बाय कॉज डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ मेम्बर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन सिक्स मंथ्स बट विच मे एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स एंड विथ फाइन इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मेम्बर जो एस सी कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है और वो कोई भी ऐसा काम करता है जिससे वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी मेंबर की प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है वेदर थ्रू फायर या किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करने की या डैमेज करने की कोशिश करता है तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे मिनिमम सिक्स मंथ से ले मैक्सिमम सेवन ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट विथ कंपेंसेन अमाउंट भरनी पड़ सकती है नेक्स्ट पॉइंट इज़ कमिट्स मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग व्हिच इज़ ऑर्डिनरी यूज एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और एज अ प्लेस फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी बाय अ मेम्बर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मेंबर जो एस सी एस टी कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है इंटेंशनली जिससे किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब मेंबर की प्रॉपर्टी को हार पहुँचे जिस प्रॉपर्टी को वो पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में इस्तेमाल करता हो तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और कंपनसेशन अमाउंट भी भरना पड़ सकता है नेक्स्ट पॉइंट इज कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड punishable with imprisonment for a term of 10 years or more against a person or property on the ground that such person is a member of scheduled caste or scheduled tribe or such property belongs to such member shall be punishable with imprisonment for life and with fine इसका मतलब ये है कि कोई भी member जो scheduled caste या scheduled tribe की category से belong नहीं करता है और अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिसकी सजा IPC section में 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की हो और वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इस बेस पे ऐसा काम करता है इस बेस पे ऐसा ऑफेंस करता है कि वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आता है तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे लाइफ इम्प्रजनमेंट भी हो सकती है और कंपेंसेशन अमाउंट भी भरना पड़ सकता है एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अगर भी ऐसा मेंबर जो एस सी कैटेगरी से बाहर है अगर वो किसी भी एस सी मेंबर का मर्डर कर देता है तो उसे कितनी सज़ा और कितना कंपेंसेशन अमाउंट भरना पड़ सकता है बेसिकली दिस डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है अगर उसने जिसका मर्डर किया है वो नॉन अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली का तो जिसने मर्डर किया है उसे ढाई लाख रुपए तक का कम्पेंसेशन अमाउंट देना होगा पेमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट पेमेंट पोस्टमार्टम के बाद देनी पड़ेगी और बाकी पच्चीस परसेंट पेमेंट जब निचली अदालत में गुना साबित हो जाएगा तब देनी पड़ेगी ऐसे ही सेकेंड कंडीशन है कि अगर जिसने उसका मर्डर किया है वो अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली का तो उसे फाइव लाख तक का कंपेंसेशन अमाउंट पे करना पड़ सकता है और पेमेंट स्ट्रक्चर इसमें पहले केस की तरह सेम है नाउ वी विल डिस्कस द पनिशमेंट क्राइटेरिया फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट बट नॉट बींग अम्बर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विलफुल निगलेक्ट हिस ड्यूटीज़ रिक्वायर टू बी परफॉर्म्ड बाई हिम अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन सिक्स मंथ्स बट विच में एक्सटेंड टू वन ईयर इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मेम्बर जो पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट ऑफिसर है अगर वो ऐसी एस टी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है और वो विलफुली या इंटेंशनली अपनी ड्यूटीज को निगलेक्ट करता है जो उसे परफॉर्म करनी चाहिए अंडर दिस एक्ट और अगर वो ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे कम से कम छः महीने से ले कर एक साल तक की इम्प्रजेंटमेंट हो सकती है अब हम इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे बट उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वो बैक हिस्ट्री अबाउट दिस एक्ट इस एक्ट की मैं बैक हिस्ट्री बताना चाहती हूँ एक्चुअली हुआ ये था कि जब 1989 में इनिशियली जब ये एक्ट पारित किया गया था उस टाइम पे कुछ गिरफ्तारी की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई थीं उसमें कुछ प्रावधान बनाए गए थे उसके तहत ही गिरफ्तारी की जा सकती थी उसके तहत ये प्रावधान था कि कोई भी एस सी एस अगर किसी के भी अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाने जाता है तो जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेन लिखाने जाता है उसके खिलाफ एफ़ होने के पहले कोई भी प्रारंभिक जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है वो बिना प्रारंभिक जाँच के भी उसके खिलाफ एफ़ दर्ज हो सकती है बिना ये जाने कि सच में उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया है और साथ ही साथ ये भी प्रावधान बनाए गए थे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जांच अधिकारी को अपने इमीडिएट बॉस या सीनियर से उसकी अरेस्टिंग के लिए कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट को ये फील हुआ कि ये तो गलत है दोनों पार्टीज़ को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का अपनी बात कहने का और साथ ही साथ ये भी पता लगाना ज़रूरी है कि सच में उसके साथ ऐसा हुआ है या फिर वो अपने राइट्स का मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब सिचुएशंस को देखते हुए 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स किए इस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स ये थे कि जो पहले प्रावधान बनाया गया था रेस्टिंग का जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी प्रारंभिक जांच की ज़रूरत नहीं है एफ़ दर्ज करवाने से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे चेंज कर दिया और ये बोला कि नहीं बिना प्रारंभिक जांच के किसी के खिलाफ भी एफ ऐसे दर्ज नहीं होगी बिना ये जाने कि सच में उसने क्राइम किया है या नहीं किया है और दूसरा अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया था कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ कर दिया था तो ये दो मेजर अमेंडमेंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस एक्ट में किए फिर उसके बाद इन अमेंडमेंट्स को लेके इतने प्रोटेस्ट हुए और करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो मजबूरी में पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए ये इन अमेंडमेंट्स को खारिज करना पड़ा नलीफाई करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जैसा हमारा 1989 में एक्ट था जो इनिशियल हमारे रूल्स थे अरेस्टिंग प्रोसीजर्स थे वही फॉलो होंगे और कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में चेंजेस किए थे उसे नलीफ़ाई कर दिया और ये कहा कि हमारा जैसे इनिशियल एक्ट था वही प्रोसीजर्स अभी भी लागू होंगे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे तो इस एक्ट में दो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो है सेक्शन एटीन ए सब सेक्शन वन सब सब सेक्शन ए जो ये कहता है कि किसी भी प्रारंभिक जांच की ज़रूरत नहीं है एफआईआर आई लॉन्च करने से पहले और जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट में वो है सेक्शन एटीन ए सब सेक्शन वन सब सब सेक्शन बी जो कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या जांच अधिकारी को किसी भी सीनियर से या इमीडिएट बॉस से अरेस्टिंग की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिना परमिशन के भी वो अरेस्टिंग कर सकता है सो विद दिस वी एनसर विद आर वीडियो If you have any suggestions regarding my video, do let me know in the comment box section. And if you liked my efforts, which I tried to pour in this video, do like, share, and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon parallel to the subscribe button in order to get notified when I will upload my further videos. So it's the time to leave now. So until we meet again, stay home, stay safe, do take care of yourselves, do take care of your families, and there's a goodbye. Thanks for watching.